लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता के मन में कोरोना को लेकर जरा सा भी डर नहीं है। साइंस कॉलेज में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया था कि इसे रावणभाटा मैदान में शिफ्ट किया जाएगा, जो हुआ भी। लेकिन लोगों की भीड़ है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सब्जी व्यापारी सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी बेचते हैं। जो डिसीजन हम लोगों ने लिया वो ये है कि जो थोक और चिल्लर था वो एक साथ घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो थोक वालों को सेपरेटली हम लोग सब्जी बाजार दूसरे स्थान पे लगाएंगे और डूमर तराई में भी शिफ्ट करने की ये तैयारी है। विकट स्थिति होने के बावजूद वहाँ पे लाना प्रशासन का मुझे समझ में नहीं आता। हमने पहले भी सजेशन दिया था कि थोक मार्केट में सिर्फ 55 व्यापारी हैं, उन 55 व्यापारियों को आप 4 जगह में विभक्त कर दें। आज हम राजधानी के रावणभाटा बाजार में खड़े हुए हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो कम जरूर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। साइंस कॉलेज में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया था कि रावणभाटा बाजार में अब सब्जी बाजार को लगाया जाएगा और सब्जी व्यापारियों से ये कहा जाएगा कि वो एक लिमिट निर्धारित करें, उसी पर वो सब्जी को जो है विक्रेताओं को देंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हमने सब्जी व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें पुलिस वाले ने कोई हिदायत नहीं दी है। जो विक्रेता जो आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो सब्जी जितनी मांग कर रहे हैं उन्हें उतनी सब्जी दी जा रही है। तो इस तरह का आलम जो है वो रावणभाटा बाजार में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रांची। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में छत्तीसगढ़